अक्षय तृतीया के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों की चर्चा तो आपने सब आपके साथ सबने कर दी, लेकिन कुछ ऐसा टोटका है जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आप निम्न परिवार से हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो भी ये उपाय आपके बहुत काम का है। और अगर अथाह पैसे का समुंदर हिलोरे मार रहा है आपके घर में, तो भी शगुन के ये दो काम आपको अवश्य ही कराने चाहिए, क्योंकि इन इनसे आपके घर में खुशी आती है, सुख समृद्धि आती है, प्रसन्नता आती है। आज के दौर में सुख समृद्धि और खुशी हर चेहरे पे हो, यही सबसे पहली आवश्यकता होती है। हर चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखे, हर चेहरा संतुष्टि वाला दिखे, तो ही आपकी ज़िंदगी सार्थक होती है और आपका घर परिवार भी तभी उन्नति करता है। कुल मिला के ये कहना चाह रही हूँ कि परिवार में खुशी का अवसर आता है इन दो कामों को करने से, जो आपका रसोई के बर्तनों से जुड़ी हुई बात है। इस क्रिया को आपको अवश्य ही कराना चाहिए। आज इसी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। पहेलियाँ नहीं बुझाती, मूल बात पर आती हूँ तुरंत। मैं हूँ एस्ट्रो एंड वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। आप मेरे से परामर्श भी ले सकते हैं। अभी नॉमिनल से चार्जेस लिए जा रहे हैं नवरात्रि ऑफर के तहत, जिसको 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क करिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके रसोई के बर्तनों पर केंद्रित है। आपको क्या करना है, रसोई के कुक का कोई भी बर्तन लेना है, वो बर्तन पीतल का होना चाहिए। उस पर दो काम आपको करने हैं। पहला काम तो ये है कि आपको उस पर नाम लिखवाना है। अगर नाम नहीं लिखा हुआ है, तो उस पर आपको अपना नाम लिखाना है। किसी का भी नाम लिखवा सकते हैं, जो आप, ज़रूरी नहीं है कि किसी भी का भी नाम लिखवा दें, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी का भी आप नाम लिखवाना चाहते हैं बर्तन पर, उस व्यक्ति का नाम अवश्य ही लिखवाएं, ये बहुत श्रेष्ठ होता है। दूसरा होता है बर्तन पर कलाई कराना। कलाई कई जगह की जाती है आज भी, क्योंकि बर्तनों पे कलाई ज़रूरी होती है। तो कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जो यही काम करते हैं। अगर आपके एरिया में आपको पता है कि किस जगह बर्तन पर कलई होती है, तो तुरंत उनसे संपर्क करिए। कितने भी पैसे लें, आज के दिन यानी अक्षय तृतीया वाले दिन आपको अपने बर्तनों पे कलई अवश्य ही करानी है। कलई कराने से जैसे बर्तन चमकता है, उस दृष्टि से आपका जीवन चमकता है, आपका भाग्य चमकता है, आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं और सुख समृद्धि बहाने मार मार के आपके जीवन में आती हैं। और रुपया पैसा तो आता ही है, क्योंकि रुपया पैसे से भी अमूल्य वस्तु होती है, खुशहाली और सुख आपको मिले, आप स्वस्थ रहें, उन्नति करें, प्रगति करें और आपका दीर्घायु प्राप्त हो, ये अहम बातें होती हैं ज़िंदगी की, जो हर कोई चाहता है। तो अगर आपको भी ऐसी तमन्ना है, तो ये दो काम अवश्य कराएं जो मैंने अभी आपको बताया था, बर्तन पर कलई कराना और बर्तन पर नाम लिखना। अगर आप संपन्न परिवार से नहीं हैं और आप अथाह जेवर नहीं खरीद सकते, वस्त्र नहीं खरीद सकते, वाहन नहीं खरीद सकते, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये दो काम करने से ही आपको उतनी ही तरक्की मिलेगी, उतना ही पैसा आपके जीवन में आएगा, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। और वर्ष भर आपकी उन्नति होगी और वर्ष भर आप पैसों में खेलेंगे। ये सैलाब बहुत जल्दी आएगा अगर आप बर्तनों पर कलई कराते हैं और नाम लिखते हैं। ये दो काम अवश्य कराइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं, तो डॉक्टर उमाश्री चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ बात होती है ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र की, पूजा पाठ की और व्रत उपवास से संबंधित जानकारी देती हूँ। न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री संबंधी जानकारी आपको देती हूँ। इनसे संबंधित परामर्श अवेलेबल है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क करें। थैंक यू सो मच।